फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना इंडोर गार्डन सेटअप दिखाना चाहूँगी। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो वही आप सबको दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या चेंजेस करे हैं और कौन कौन से इंडोर प्लांट्स मैंने अब रखे हुए हैं, और उनकी कुछ थोड़ी सी केयर टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा इंडोर गार्डन। ये बालकनी की तरफ से जैसे ही अंदर आते हैं तो मैंने ये ब्राइट एरिया में ही सेटअप किया हुआ है अपना इंडोर गार्डन। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। और फ्रंट में है मेरा मंदिर का एरिया, तो ये एक गैलरी सी बनती है, तो ये मेरा एक ग्रीन एरिया बन जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कॉर्नर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैक्रेम में मैंने एक ये टेंगल्ड हार्ट का प्लांट लगाया हुआ है, छोटी सी DIY बॉटल में। तो ऑनलाइन परचेस अमेज़ॉन से मंगवाए थे मैंने मैक्रेम सेट, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसी तरफ मैंने ये जो कोनिकल हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है क्रीपिंग चार्ली पीलिया का प्लांट। तो देखने में तो ये पुदीने की पत्तियों जैसा लगते हैं इसकी लीव्स, ये पुदीना नहीं है लेकिन, और काफ़ी ग्रीनरी दे देता है ये आपके गार्डन में। और दोस्तों, ये ब्राइट लाइट में भी अच्छा चल जाता है, इसलिए मैंने ये इंडोर रखा हुआ है। और वैसे भी मेरे इंडोर गार्डन में आजकल अच्छी धूप आ रही है, सुबह को सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आजकल पूरी सुबह एक दो घंटे की धूप मेरे इंडोर गार्डन में अच्छी पड़ जाती है। मैंने ये प्लांट्स रखे हैं लेकिन ये ब्राइट लाइट में भी चल जाएंगे। तो इस तरह से है ये मेरी कोनिकल बास्केट। और ये जो नेक्स्ट प्लांटर बुद्धा प्लांटर है, इसमें हमारा ये स्पाइडर प्लांट है, हार्डी प्लांट होता है दोस्तों ये भी, और ब्राइट लाइट में अच्छा चल जाता है। तो इसमें काफ़ी पप्स निकल आए हैं ये, इसलिए ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट। इस तरह से इसमें ये जो है प्लांट्स निकल आते हैं स्टेम में, तो हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये जो स्पाइडर प्लांट होता है। दोस्तों, मैंने अपने इंडोर गार्डन में जो है हार्डी प्लांट्स ही रखे हुए हैं ज़्यादातर। और ये वाटर बॉटल में है मेरा मनी प्लांट पोथोस, नॉर्मल वाला पोथोस है ये। तो ये यहाँ से टूट भी गया है, काफ़ी लंबा हो गया था लेकिन जो है कुछ शिफ्ट किया था मैंने थोड़ा सा, तो ये डाली टूट गई थी, तो मैंने इसका ये दूसरा सिरा भी डिप कर दिया था। तो देखिए, इसमें भी रूट फॉर्मेशन होने लगा है, कुछ टाइम में ये भी ग्रोथ पकड़ लेगा। तो दोस्तों, ये जो मनी प्लांट होता है ये विंटर्स में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब कि ग्रोथ नहीं होती है मनी प्लांट की, क्योंकि ये वार्म टेम्परेचर जिसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज़्यादा पसंद होता है, मतलब थोड़ी सी ह्यूमिडिटी और थोड़ी सी गर्मी इसको पसंद होती है, इसलिए वार्म्थ में ये ज़्यादा अच्छा चलता है। इसका ग्रोइंग सीजन रहेगा तो ये ग्रोथ पकड़ेगा, और इसलिए अभी कटिंग्स लगाई जाती हैं इनकी, क्योंकि वो अच्छे से ग्रो हो जाती हैं इस समय अगर हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो। और ये मेरी जो टूट गई थी उसमें भी नई ग्रोथ हो रही है वैसे नीचे से। और ये है मेरा ट्रे गार्डन, तो इसमें मैंने पोल्का डॉट प्लांट लगाया था, तो इसमें अभी कलर फॉर्मेशन बहुत कम हो गया पोल्का डॉट में, क्योंकि इसमें थोड़ी सनलाइट धूप चाहिए ही होती है, तो बहुत हल्की से इसमें डॉट्स बने हुए हैं। तो इसको थोड़ी धूप दिखाएंगे तो इसमें कलर फॉर्मेशन आ जाएगा। और साथ ही मैंने ये वाटर बॉटल में कोलियस की कटिंग लगानी सिखाई थी आपको बहुत पहले, तो ये अच्छे से चल रही है पानी में कोलियस। लेकिन इसके कलर में आप गौर करिएगा, कोलियस में इसमें अच्छे से कलर फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए भी इसलिए इसको सनलाइट चाहिए ही होती है कलर फॉर्मेशन के लिए। तो ये देखिए कितनी रूट्स बन गई हैं। तो साथ में मैंने एक ये स्यूडो एरांथमम की कटिंग भी लगा रखी है, इसका वीडियो भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में डालूंगी किस तरह से इसको प्रोपागेट करें। पर्पल एरांथमम की कटिंग लगाई है, तो देखते हैं इसकी रूट फॉर्मेशन कब होती है। और दोस्तों, ये है हमारा जीजी प्लांट। तो ये जीजी प्लांट है जो होता है, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इंडोर्स कम लाइट में भी बहुत ही अच्छा चलता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल में, तो वो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है, बिगनर्स भी इसको आराम से लगा सकते हैं, बस इसमें पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। तो दोस्तों, जब हम इंडोर गार्डन अपना बनाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, भर भर के पानी नहीं देना होता है इनको,
थोड़ा स्प्रे बॉटल से या ज़रा सा पानी ही देना होता है, क्योंकि इंडोर्स जो है पानी एक तो जल्दी से सूखता नहीं है और जो है ये जो सभी प्लांट्स हैं इनको कम ही पानी चाहिए होता है। और दोस्तों ये हमारा फाइलेडेंड्रॉन की वैरायटी, और इस वैरायटी का नाम है फाइलेडेंड्रॉन बुरले मार्क्स वैरायटी। तो इसका वीडियो और केयर टिप्स डिटेल में मेरे चैनल में है, आप चेक कर सकते हैं अगर इसकी केयर टिप्स आपको डिटेल में देखनी हो तो। ये भी कम सनलाइट में सर्वाइव कर जाता है, बहुत अच्छा प्लांट है। इसको बाहर चाहे अंदर रखिए आप, लेकिन जब बाहर रखें तो तेज़ धूप से इसको बचाना चाहिए, नहीं तो इसके जो पत्ते जो हैं पीले पड़ने लगते हैं। और अंदर भी ये बहुत ही अच्छा चलता है, इसको भी कम पानी चाहिए और ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब कि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद होता है इसको। इसका भी ग्रोइंग सीजन है, इसकी भी आपको कटिंग मिलती है तो आप प्रोपगेट कर सकते हैं। और ये आप को देखने में पता नहीं चलेगा कौन सा प्लांट है, ये रोहियो प्लांट है। देखिए लाइट की कमी से इसके पत्ते जो है दूर दूर आ गए हैं और ये स्टिक फॉर्म में तब्दील हो गया है रोहियो प्लांट। तो इस तरफ जो है मैंने कुछ डेकोरेशन के साथ जो है ये वॉन्डरिंग ज्यू प्लांट है मेरा, इसको मैंने पानी में रखा हुआ है कई टाइम से। तो दोस्तों पानी में आप वॉन्डरिंग ज्यू आसानी से लगा सकते हैं, इसको बस पानी चेंज करते रहिए तो ये आसानी से चलता रहेगा, वाटर बॉटल में भी, और बहुत ही अच्छा लगता है इंडोर्स भी। और इसके बस लीव्स का कलर थोड़ा सनलाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है वॉन्डरिंग ज्यू का, लेकिन इंडोर्स भी ये आसानी से चल जाएगा और पानी में भी चल जाएगा। तो आप इसको कैसे भी लगाइए इंडोर्स, चाहे मिट्टी में चाहे पानी में, तो बहुत ही अच्छा कलर्स देता है ये वॉन्डरिंग ज्यू। तो इस तरफ से कुछ ऐसा है इंडोर गार्डन। और दोस्तों मैंने ये बेंच नीचे की जो ये बेंच है ये भी चेंज कर दी है, थोड़ी चेंज करते ही रहते हैं हम, थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है घर का। और इस सामने मेरा मंदिर है, और इस तरफ मैंने ये जो मेरे एंजॉय मनी प्लांट का बास्केट है वो इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो हमारे मंदिर में भी थोड़ी हरियाली हो गई है आजकल, तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है एंजॉय मनी प्लांट की भी, काफ़ी लंबा हो गया है ये और अच्छी ग्रीनरी दे रहा है ये मेरे इंडोर गार्डन के एरिया को। ये सामने ही पड़ता है ये मंदिर वाला एरिया, तो ये ब्राइट लाइट मिल जाती है मनी प्लांट को भी। तो दोस्तों मनी प्लांट को भी आप अगर इंडोर रख रहे हैं तो बिल्कुल जहाँ कम रोशनी हो वहाँ बिल्कुल ना रखें, ब्राइट लिट एरिया में ही रखें जहाँ अच्छी लाइट मिले मनी प्लांट को, तो वो अच्छे से ग्रो करता है, चाहे आप मिट्टी में लगाएं या पानी में। पानी में भी ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है, पानी चेंज करते रहें। तो इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल में है, आप चेक कर सकते हैं पानी में किस तरह से मनी प्लांट की केयर करें। तो दोस्तों आप अपने इंडोर गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं अपने आइडिया से, मैक्रेम का यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स भी लगा सकते हैं हम अपने इंडोर गार्डन में, और DIYs कर सकते हैं अपने इंडोर गार्डन के लिए। और ऐसे प्लांट्स का आप चुनाव करिए जो हार्डी हो काफ़ी। तो ये जो सभी प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं ये हार्डी प्लांट्स होते हैं, ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं, बस ये एक ही चीज़ से मरेंगे, या तो आप ज़्यादा पानी डाल दें इनमें तभी इनमें रूट रॉट की समस्या आती है, नहीं तो ये अच्छे से चलते रहते हैं। अगर आप इनको थोड़ी सी बातों का कुछ का ध्यान रखेंगे तो ये अच्छे से सालों साल आपके घर के अंदर भी अच्छे से हरियाली बिखेरते ही रहेंगे। और इनको आप कुछ डेकोरेटिव आइटम्स के साथ टीम अप करेंगे तो आपका जो इंडोर गार्डन है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों जब भी आप इंडोर गार्डन का सेटअप करते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि वहाँ वेंटिलेशन हवा का भी आना जाना लगा रहे, क्योंकि जहाँ कम हवा का आना जाना रहता है उससे भी प्लांट्स ख़राब होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए तो आप ये एक सुंदर सा इंडोर गार्डन अपने घर में बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं सालों साल आसानी से। तो दोस्तों ये था मेरा इंडोर गार्डन का डेकोरेशन, होप करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।